मेरे को जिस दिन गुस्सा आएगा ना, डॉक्टर लेकर वही घुस जाऊंगी उसके घर में ही, सच में ही। ये 8 दिन सचिन के साथ में रही या किसके साथ में रही अब पता चलेगा। जो ये 8 दिन वहां आई थी नेपाल, अब पता चलेगा कि सचिन के साथ में ही रही सच में या किसी और बंदे के साथ में रही। और जिस तरह से वो बार बार बोलती कि मैं प्रेग्नेंट हो गई प्रेग्नेंट हो गई, अबे एक चूहा भी तो जन्म जन्मा के दिखा दे तो मैं मानू तुझे। तेरे घर में ऊपर तेरा कैमरा लगा हुआ है, तेरे जो सलाहकार हैं और तेरे जो शरीयत देने वाले हैं कि तेरे को शरीयत मिल जाएगी यहाँ पे, उन लोगों ने तेरे कमरे में तक कैमरा लगा रखा है। आपको उसका हाथ पकड़ने से फुर्सत नहीं मिली, आपको उसके कंधे से कंधा मिलाने से फुर्सत नहीं मिली। आपने जब देखा उसके बगल में बैठे, आप कहते एक तरफ तो आप कहते हो कि ये पत्नी है उसकी सचिन की, लेकिन पत्नी का मजा पूरा आप ले रहे हैं, पत्नी का सुख आप ले रहे हैं, बगल में आप बैठ रहे हैं। वो तो उसके तरह क्या बोलते हैं जो वो होते हैं ना बॉडीगार्ड, उसकी तरह पीछे खड़ा रहता है। कभी हमने नहीं देखा कि उन्होंने ये बोला होगा कि भाई चलो मैं साइड में बैठ जाऊं तुम दोनों बैठो। अभी तो भेद खुलेंगे ना, सारे भेद खुलेंगे कि कौन कौन इसके पीछे है। अभी तो सबका नंबर आएगा। अब हैदर दूसरी शादी भी करेगा, तू भी नहीं रहेगी और बच्चे भी उसके पास जाएंगे। रोक सके तो रोक ले, तेरी जितनी औकात है तो कर ले। और तू कह रही थी कि 4 साल पहले मेरे को ना हैदर ने वो दे दिया था, तलाक दे दिया था। तो 4 साल पहले तलाक दे दिया था, 3 साल की जो बच्ची है उसका बाप का नाम बता, उसके बाप का नाम बता जो 3 साल की बच्ची है। अगर हैदर भाई उसका बाप नहीं है तो बता। तूने वहां लिखवा रखा है एक 6 साल का बच्चा, एक 5 साल का बच्चा, एक 4 साल का, एक 3 साल का, तो बता ना। जिस महीने में ये यहाँ आई थी भाग के, उसके 1 महीने पहले इसने सारे कागज हैदर भाई को भेजे थे कि आप हमारा वीजा वीजा करो, वीजा वीजा का वो बनाओ, पासपोर्ट वगैरह बनाओ, हम उमरा करने आ रहे हैं। और उमरा करने आई वो यहाँ सचिन के घर, यहाँ था बहुत बड़ा उमरा का वो। हाँ, इसने बेगैरत औरत, इसने तो जब ये 8 दिन के लिए ये भगोड़ी उसके साथ गई थी तब भी इसने अपने इनका जो एक पवित्र स्थान है जहाँ ये लोग वो जाते हैं दर्शन करने जाते हैं, वहां का नाम जी लेके आई थी कि मैं वहां जा रही हूँ। मैं अकेले बोला जी बोला, पहले इनमें प्यार हुआ, फिर इकरार हुआ पबजी के थ्रू, फिर ये लोग मतलब सीमा जो है इसकी ना सीमा ना, बोला सीमा ने लपू में देखा क्या है, बोला वहां गए, वहां क्यों गए ये लोग, बोला उसने पहले मर्दानगी चेक की, बताओ। मतलब एक भाई जो तुम भाई, तुम अपने तुम बोल रहे हो कि मैंने उसको बहन बना रखा है, तुम अपनी बहनों से लोगों की मर्दानगी चेक करवा रहे हो तब जाके तुम यहाँ इनलीगल बुला रहे हो उनको। मतलब लप्पू की मर्दानगी उसने वहां चेक करी, उसके बाद जाके ये भगोड़ी फिर यहाँ आई भाग के। 8 दिन उसके साथ रहने के बाद भी इस औरत की इतनी हिम्मत और औकात नहीं हुई बोलने की कि हम शादी कर चुके हैं। जब बेल मिल रही थी तब भी इसने क्या बोला कि मैं अपने फ्रेंड के घर आई हूँ। अपने मुंह से हर चीज अपने मुंह से, इतने इतने जाल में फंस गई है ना, अब बाहर निकलना मुश्किल है। अब तो ये कितना भी वो करे, इसका भैया कुछ भी बोले, इसका भाई, अब तो इसके भैया को भी मुझे पता है ये अपना त्याग पत्र दे देंगे कि अब मेरे को कुछ नहीं करना भाई, जितना कर लिया कमा लिया, अब मैं YouTube से कमा लूंगा। उसका भी खुद का अपना उनका YouTube चैनल है। कि बच्चों का धर्म परिवर्तन कोई करवा ही नहीं सकता है, जो बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाएगा उसको 10 साल की सजा और जुर्माना देना पड़ेगा। उन्होंने तीनों जगह की, हरियाणा की और वहां की यूपी की और एक जगह और कहां का उन्होंने बताया कि क्या क्या चार्जेस होते हैं, कैसे कैसे सजा दी जा सकती है। और ये सो कॉले मैडम जो बोल रही है कि भाई मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया, धर्म परिवर्तन कर लिया, तो आपने देखा होगा कि मोमिन साहब ने बोला है धर्म परिवर्तन करने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ेगा, किस किस के पास जाना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, जो भी है, जो प्रक्रिया हम हमेशा से बोलते थे कि भाई इसने धर्म परिवर्तन के लिए कौन सी प्रक्रिया की जो उसके भाई ने भी नहीं बोली और उसने भी आज तक नहीं दी। तो ये मतलब हमारे जो देश में है ये भगोड़ी, ये इनलीगल जो आई हुई है और इसको इसको चाहिए नागरिकता, तो नागरिकता बताओ कैसे मिलेगी इसको। उनका रखवाला जो व्यक्ति है वो जी धर्म, उनको पता है कि इसकी सजा क्या है। और 18 साल से पहले जब तक बच्चा बोलने वाला नहीं होता है तब तक धर्म परिवर्तन करवा भी नहीं सकते हैं। और धर्म परिवर्तन करवाना ऐसे थोड़ी नहीं हो गया कि भैया हमने यहाँ पे जय श्री राम बोल दिया, जय श्री राम के नारे लगा दिए, भगवानों की फोटो लगा दी, उससे धर्म परिवर्तन हो गया। उसकी प्रोसीजिंग भी तो आपको पता होनी चाहिए, आप वकील हैं, आपको पता है कि वो प्रोसीजिंग क्या होती है।
उसके लिए क्या कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, किस किस की सलाह लेनी पड़ती है, किस किस की हाँ लेनी पड़ती है। आपने सीमा हैदर को यहाँ आके साड़ी पहना दी, उसके बाद आपने बोला कि भैया इसने धर्म परिवर्तन कर दिया, किसी भी कागज में नहीं है, किसी भी चीज में नहीं है जो कि अभी लीगली जो हैदर भाई की वाइफ है और वो यहाँ पे आके इन लीगली किसी के साथ में रह रही है, संबंध में रह रही है, संबंध में तो खैर नहीं रह रही है, आज तक किसी वीडियो में नहीं देखा। तो आपने हर चीज ऐसी जो कानून के दायरे में रह के जो करनी चाहिए थी एक भी काम नहीं किया आपने, तो आपने तो हर चीज वो किया जो आपने हम लोगों का विश्वास तोड़ा, एक बार तोड़ा, इस बार आपके पास मौका था संभलने का, इस बार आप मौका देख के आप संभाल सकते थे, जो निर्भया केस में आपने अपनी पूरी इज्जत गवाई थी वो इस टाइम पे आप कर सकते थे। आप बोलते हो कि आपने किसानों के लिए केस लड़ा, किसानों के लिए केस लड़ा, वो किसान नहीं थे, किसान जो थे वो असली वाले किसान अपने खेतों में थे, आपने उन लोगों का केस लड़ा जिन लोगों ने अपनी जेब भरी आपकी। आप कभी भी उन किसानों के लिए कभी भी नहीं लड़ोगे जो खेतों में अपना पसीना बहाते हैं, असली किसान वो हैं जो खेतों में पसीना बहा रहे हैं, जो इस तरह से जो बैठे हुए हैं आप उनके पास चले जाते हो और आप खुद, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है आप किस तरह के वकील हो, आप खुद बोलते हो कि मैं लड़ूंगा जबकि आपको कोई अपॉइंट करता नहीं है। इस केस में भी ऐसे ही हुआ, जब पराशर जी ने ये केस छोड़ा, ये इन्होंने अपनी वीडियो डाल दी कि भैया सीमा हैदर का केस मैं लड़ूंगा, क्यों, किस बेस पे? सीमा हैदर क्या लगती है आपकी, जो हिंदुस्तान की जो बहनें इतना वो हो रही है, शर्मसार हो रही हैं कि भैया हम यहाँ के रहने वाले, हम यहाँ के नागरिक, हम हिंदुस्तान के रहने वाले, हम महिलाएं अपने सनातनी को, अपने सनातन के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, हम पूजा पाठ हम नहीं करते क्या अपने बच्चों के लिए, अपने पतियों के लिए, अपने घर वालों के लिए? एक यही महिला है, अब कहाँ गए उसके पूजा पाठ, क्या आजकल कोई व्रत नहीं आ रहे हैं, आजकल कोई पूजा पाठ, आजकल उसकी पूजा पाठ कहाँ गई, आजकल क्यों नहीं आती पूजा पाठ की वो? पर जब तक भाई ने सोचा कि जब तक मैं इसको बहला सकता हूँ तब तक बहला लेता हूँ, उसके बाद क्या पता कि मेरे से बढ़ चढ़ के कोई मेहमान आ जाए, और सच में ही ऐसी एंट्री हुई कि मोमिन मलिक जी आ गए, इनको लगा कि अब मेरी दाल नहीं गलने वाली, अब जाके पता नहीं कौन से चूहे के बिल में घुस गए। भाई अगर चूहे के बिल में घुसना था तो पहले सोचना चाहिए था ना आपको, कि आप बेवकूफ बना रहे हो उस औरत को जो चार बच्चे लेके, और ये बेवकूफ औरत आई क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी भी, जब ये इसने वहां भी कबूल नहीं किया कि हम दोनों ने शादी कर ली, सचिन ने भी बोला कि इसके कागज में मेरा नाम नहीं लिखना है, नेत्रपाल ने भी बोला कि बिल्कुल हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे, अगर ये इसके दोस्त बन के आई है तो कहीं पे भी नहीं लिखा कि ये हमारी बहू है, कागजों में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि इनका इससे कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता है, फिर वहां पे क्यों रह रही है? अगर आप लोगों को, तेरे भैया को तेरे से इतनी जरूरत थी, इतनी तेरी इतनी उनको वो थी, तो कम से कम तेरे भैया जो पढ़े लिखे हैं, कानून पढ़ते हैं, कानून का नुमाइंदा है वो, कानून के जो हम लोगों के लिए लड़ते हैं, हम लोगों के लिए क्या लड़ेंगे, हम खुद उनके लिए लड़ेंगे और आगे आके हम लोग उनके लिए फिर आवाज उठाएंगे अगर उन्होंने ऐसे कामों में और ऐसे उसमें वो लिया तो कम से कम उनको ये तो सोचना चाहिए था कि यार मैं इस दूसरे मुल्क से आई हुई औरत को और बरगला रहा हूं, ऐसे बरगलाने से क्या हो जाएगा? आप वहां के प्रति, उस देश के प्रति नारे लगवा रहे हैं जिससे हमारे संबंध पहले से ही इस तरह से हैं। आप कानून के रखवाले हो और आप दूसरे देश, आप क्या सोचते हो? क्या हम लोगों को समझ में नहीं आता है? आपको कौन सा काम निकलवाना है? आप काम निकलवाओ ना अपना। अगर आपने अपनी मर्जी से, अभी तो भेद खुलेंगे ना, सारे भेद खुलेंगे कि कौन कौन इसके पीछे है, अभी तो सबका नंबर आएगा, क्योंकि आप ये लोग ये मत सोचिए कि अभी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो अब हो रही है सही तरीके से, जो और उन्होंने सीधा तरीके से ये बोला है कि जो सीमा सपोर्टर हैं, क्योंकि सीमा इनलीगल आई है और वो अभी क्रिमिनल है, वो जो उसके सपोर्टर है ना वो अभी तैयार रहे हैं कि नोटिस कभी भी आ सकता है। कानून अब काम कर रहा है, पहले कानून को खबर तक नहीं थी कि भाई ये महिला क्या है, कैसी है, पहले तो सबको ही बरगलाया गया था, और शर्म भी नहीं आती है यहाँ आके, तू इनलीगल आ गई है, तू प्यार में आ गई है, पहले तूने प्यार की कहानी बताई, मतलब झूठ का एक वो होता दायरा होता है, इतना झूठ, अब तो अब पता चल रहा कि तू तो भाई अब ये 8 दिन सचिन के साथ में रही या किसके साथ में रही, अब पता चलेगा, जो ये 8 दिन वहां आई थी नेपाल, अब पता चलेगा कि सचिन के साथ में ही रही सच में या किसी और बंदे के साथ में रही, फिर सचिन को मोहरा बनाया गया, और ये झूठे बहाने बनाती है ना ये, जो कि प्रेग्नेंट हूँ, ये मेरे को जिस दिन गुस्सा आएगा ना डॉक्टर लेकर वही घुस जाऊंगी उसके घर में ही, सच में ही, ये सब ये कार्ड मत खेल हमारे सामने, ये साले ना बेटे के कार्ड मत खेल, प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती है भाई, तेरी शादी ही नहीं हुई तो प्रेग्नेंट किससे होगी, और प्रेग्नेंट चल तो प्रेग्नेंट भी होगी
तो तू क्या सोच रही है, हमारी अदालतें, हमारे जो इदारे हैं, हमारे जो लोग हैं, हमारे यहाँ पे जो कानून है, तू क्या सोच रही कि तेरी हम जांच नहीं करवाएंगे? जांच करवाएंगे, फिर देखते हैं का, तो भाई लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए। अब हमारी ये मांग है, दोबारा किसी के लिए ये ना बोले कि मैं वकील हूँ। आपसे अच्छा काम तो वो पुलिस वाले करते हैं जो बेचारे फाइल लेके जाते हैं अपनी इतनी हाँ ईमानदारी से, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। आपसे अच्छे तो वो हैं, आपसे अच्छे तो वो मुंशी लोग हैं जो हर किसी को उनके राइट्स के बारे में बताते हैं। जब उनके पास कोई टाइप करवाने जाता है, कोई कागज बनाने जाता है, तो वो उनके राइट्स के बारे में उनको बताते हैं। आप तो बिल्कुल ही बिल्कुल वही, यही तो मैंने पहली बार देखा। जब निर्भया के केस के बारे में तो खैर क्या ही बोलूं मैं, उसके केस के बारे में तो अभी मैं चर्चा भी नहीं करूंगी। उस बिचारी को जितनी बार हम नाम लेते हैं तो उस बिचारी को दुख होता होगा कि सजा भी बिल्कुल उनको तब मिली कि जब मैं इस दुनिया में नहीं थी। तब तक तो ये बिचारी रही नहीं। उसके बाद 8 साल, 9 साल, 10 साल इन्होंने खींचे भैया जी ने। किस प्रकार का इंसान है, जब आप पे बात आती है, आप जब आपको पूछा जाता है कि अगर आपकी माँ बहने ऐसी होती तो आप क्या करते हैं, आप बोल देते हो कि मैं तो आग लगा देता। तो वहां मतलब अब इस भगोड़ी के क्या, हम तो किसी भी चीज का तो ना तो भगोड़ी का ना भगोड़ी के भाई का किसी भी चीज का समर्थन नहीं करते हैं। भगोड़ी का तो वैसे ही नहीं करते थे, लेकिन एज ए इंडियन सिटीजन हम भैया का करते थे। मैं भैया उनको वैसे नहीं बोल रही हूँ, ये टर्निंग वाला भैया है, भैया। हाँ, ये सो कॉल भैया जो है ना, टर्निंग वाला है। तो इनके जैसे इंसान तो मैं कह रही हूँ, किसी को अगर कोई इतना पढ़ा लिखा भी हो तो इस तरह की वकालत तो ना करे भाई, सीधी बात है।